आईपीएल 2024 का 23वां मुकाबला आज मुंबई इंडियंस बनाम दिल्ली कैपिटल के बीच खेला गया, जहां पर दिल्ली कैपिटल ने मुंबई इंडियंस को इस मैच में हरा दिया। वहीं दिल्ली कैपिटल ने इस मैच को जीतने के बाद आईपीएल 2024 की पॉइंट टेबल काफी भूखल आ चुका है। दिल्ली कैपिटल ने इस मैच को जीतने के बाद आईपीएल 2024 की पॉइंट टेबल काफी बदलाव देखने को मिला, जहां पर दिल्ली कैपिटल को हो गया यहां से बड़ा फायदा। वहीं मुंबई इंडियंस लगभग प्लेऑफ से बाहर हो चुका है। तो आखिरकार आज दिल्ली कैपिटल ने मुंबई इंडियंस को हराने के बाद यहां से कौन सा टीम किस पॉइंट के साथ कौन सी नंबर पर है, वो यहां से क्वालिफाई करने के लिए और कौन सा टीम को कितने मैच जीतने होंगे, सारी जानकारी इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहना। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी अपनी फेवरेट टीम को प्लेऑफ में देखना चाहते हो तो वीडियो को दिल से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर दो। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि दोस्तों आप सबने जानते हैं, आज आईपीएल 2024 का 43वां मुकाबला मुंबई इंडियंस बनाम दिल्ली कैपिटल के बीच खेला गया, जहां पर पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली कैपिटल ने अपने 20 ओवर में 7 विकेट गवाकर 257 रन बनाया। 258 रनों की पीछा करते हुए मुंबई इंडियंस ने 20 ओवर खेलकर 247 रन बना पाया। वहीं दिल्ली कैपिटल ने इस मैच को 11 रन से जीत लिया। दिल्ली कैपिटल ने इस मैच को जीतने के बाद आईपीएल 2024 की पॉइंट टेबल में काफी बदलाव देखने को मिला। तो चलिए नजर डालते हैं आईपीएल 2024 का अब तक का पॉइंट टेबल की अपडेट। तो आईपीएल 2024 की पॉइंट टेबल पर 10वें नंबर पर रॉयल चैलेंजर बैंगलोर की टीम है। हाफ डुप्लेसी कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर बैंगलोर ने अभी तक कुल 9 मैच खेल चुका है, लेकिन 9 मैचों में से केवल 2 मैच में जीता है। 7 मैच में रॉयल चैलेंजर बैंगलोर का हार का सामना करना पड़ा। इस साल रॉयल चैलेंजर बैंगलोर का परफॉर्मेंस उतना खास नहीं रहा, जहां पर रॉयल चैलेंजर बैंगलोर आईपीएल की आधा में ही प्लेऑफ से बाहर हो चुका है। वहीं रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के पास अभी कुल 4 पॉइंट और रॉयल चैलेंजर बैंगलोर की नेट रनर्स -0.721 है। रॉयल चैलेंजर बैंगलोर यहां से कुल 4 मैच खेलेगा, लेकिन इन चारों का 4 मैच जीतने के बाद भी प्लेऑफ में क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। वहीं रॉयल चैलेंजर बैंगलोर का अगला मुकाबला गुजरात के खिलाफ 28 अप्रैल को होने वाला है। नंबर 9 पर आज हारने के बाद मुंबई इंडियंस की टीम है, जहां पर मुंबई इंडियंस ने कुल 9 मैच खेल चुका है, लेकिन इन 9 मैचों में से केवल 3 मैच में जीता है। वहीं 6 मैच में मुंबई इंडियंस को हार का सामना करना पड़ा। मुंबई इंडियंस के पास अभी कुल 6 पॉइंट और मुंबई इंडियंस की नेट रनर्स -0.227 है। मुंबई इंडियंस को यहां से और कुल 5 मैच खेलना होगा। अगर टॉप 4 में क्वालिफाई करना है तो इन 5 का 5 मैच जीतना होगा, साथ ही साथ अपने नेट रनों को काफी ज्यादा बेहतरीन करना होगा टॉप 4 में क्वालिफाई करने के लिए। वही मुंबई इंडियंस ने अपने अगला मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ 30 अप्रैल को खेलने वाला है। नंबर 8 पर पंजाब की टीम है। शिखर धवन की कप्तानी वाली पंजाब किंग ने अभी तक 9 मैच खेल चुका है। 9 मैचों में से 3 मैच में जीता है। वही 6 मैच में पंजाब को हार का सामना करना पड़ा। वही पंजाब के पास अभी कुल 6 पॉइंट और पंजाब की नेट रनर्स -0.286 है। पंजाब किंग ने यहाँ से और कुल 5 मैच खेलने वाला है। इन 5 का मैच में जीतने के बाद साथ ही साथ अपने नेट रन को काफी ज्यादा बेहतरीन करने के बाद टॉप 4 में क्वालिफाई कर पाएगी। वैसे पंजाब की चांस उतना खास नहीं है, पंजाब ने लगभग प्लेऑफ से बाहर हो चुका है। वहीं पंजाब की अगला मुकाबला चेन्नई सुपर के खिलाफ 1 मई को खेलने वाला है। नंबर 7 पर गुजरात टाइटन की टीम है। शुभमन गिल कप्तानी वाली गुजरात टाइटन ने अभी तक 9 मैच खेल चुका है। 9 मैचों में से 4 मैच में जीता है। वहीं 5 मैच में गुजरात को हार का सामना करना पड़ा। वहीं गुजरात के पास अभी कुल 8 पॉइंट और गुजरात की नेट रनर्स -0.974 है। गुजरात को यहां से और कुल 5 मैच खेलना होगा। इन 5 का 5 मैच जीतने के बाद साथ ही अपने नेट रन को काफी ज्यादा बेहतरीन करने के बाद गुजरात ने टॉप 4 में क्वालिफाई कर पाएगी। वहीं गुजरात की अगला मुकाबला आरसीबी के खिलाफ 28 अप्रैल को होने वाला है। नंबर 6 पर चेन्नई सुपर किंग की टीम है। चेन्नई सुपर किंग ने अभी तक कुल 8 मैच खेल चुका है। इन 8 मैचों में से 4 मैच में जीता है। वहीं 4 मैच में चेन्नई सुपर किंग को हार का सामना करना पड़ा। वहीं चेन्नई के पास अभी कुल 8 पॉइंट और चेन्नई सुपर किंग की नेट रनर्स +0.415 है। चेन्नई सुपर किंग ने यहाँ से कुल 6 मैच खेलने वाला। इन 6 मैचों में से 4 मैच में जीतने के बाद टॉप 4 में चेन्नई सुपर किंग ने क्वालिफाई कर पाएगी। वहीं चेन्नई सुपर किंग की अगला मुकाबला सनराइजर हैदराबाद के खिलाफ 28 अप्रैल को होने वाला है। वहीं नंबर 5 पर आज जीतने के बाद दिल्ली कैपिटल की टीम है। दिल्ली कैपिटल ने अभी तक कुल 10 मैच खेल चुका है। इन 10 मैचों में से 5 मैच में जीता है। वहीं 5 मैच में दिल्ली कैपिटल को करारा हार का सामना करना पड़ा। वहीं दिल्ली कैपिटल के पास अभी कुल 10 पॉइंट और दिल्ली कैपिटल की नेट रनर्स -0.276 है। दिल्ली कैपिटल यहाँ से कुल 4 मैच खेलने वाला है। इन 4 का मैच जीतने के बाद ही दिल्ली कैपिटल ने टॉप 4 में क्वालिफाई कर पाएगी। वहीं दिल्ली कैपिटल अपने नेट रन को काफी ज्यादा सुधारना होगा। वहीं दिल्ली कैपिटल की अगला मुकाबला केकेआर के खिलाफ 29 अप्रैल को होने वाला है। वहीं नंबर 4 पर लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम है। केएल राहुल की कप्तानी वाली लखनऊ सुपर जायंट्स ने अभी तक कुल 8 मैच खेल चुका है। इन 8 मैचों में से 5 मैच में जीता है। वहीं 3 मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स को हार का सामना करना पड़ा। वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स के पास अभी कुल 10 पॉइंट और लखनऊ सुपर जायंट्स की नेट रनर्स +0.148 है। लखनऊ सुपर जायंट्स ने यहाँ से और कुल
छह मैच खेलने वाला है। इन छह मैचों में से कम तीन मैच को जीतना होगा टॉप फोर में क्वालिफाई करने के लिए। वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स की अगला मुकाबला राजस्थान रॉयल के खिलाफ 27 अप्रैल को होने वाला है। नंबर तीन पर सनराइजर हैदराबाद की टीम है। सनराइजर हैदराबाद ने अभी तक कुल 8 मैच खेल चुका है। इन 8 मैचों में से 5 मैच में जीता है। वहीं 3 मैच में हैदराबाद को हार का सामना करना पड़ा। वहीं हैदराबाद के पास अभी कुल 10 पॉइंट है। हैदराबाद की नेट रनर्स प्लस 0.577 है। हैदराबाद ने यहां से कुल 6 मैच खेलने वाला है। इन 6 मैचों में से कम 3 मैच में जीतना होगा टॉप 4 में क्वालिफाई करने के लिए। वहीं हैदराबाद की अगला मुकाबला चेन्नई के खिलाफ 28 अप्रैल को होने वाला है। वहीं नंबर दो पर कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम है। सैयद सर की कप्तानी वाली कोलकाता नाइट राइडर्स ने अभी तक कुल 8 मैच खेल चुका है। इन 8 मैचों में से 5 मैच में जीता, वहीं 3 मैच में कोलकाता को हार का सामना करना पड़ा। वहीं कोलकाता के पास अभी कुल 10 पॉइंट और कोलकाता की नेट रनर्स प्लस 0.927 है। कोलकाता ने यहां से कुल 6 मैच खेलने वाला है। इन 6 मैचों में से कम 3 मैच को जीतना होगा टॉप 4 में क्वालिफाई करने के लिए। वहीं कोलकाता की अगला मुकाबला दिल्ली कैपिटल के खिलाफ 29 अप्रैल को होने वाला है। वहीं नंबर 1 पर राजस्थान रॉयल की टीम है। संजू सैमसन की कप्तानी वाली राजस्थान रॉयल ने अभी तक कुल 8 मैच खेल चुका है। इन 8 मैचों में से 7 मैच में जीता है। वहीं 1 मैच में राजस्थान को हार का सामना करना पड़ा। वहीं राजस्थान के पास अभी कुल 14 पॉइंट और राजस्थान की नेट रनर्स प्लस 0.698 है। आपको बता दें कि राजस्थान ने अभी से लगभग क्वालिफाई कर चुका है, लेकिन राजस्थान को यहां से और कुल 6 मैच खेलना होगा ऑफिशियली क्वालिफाई करने के लिए। इन 6 मैचों में से कम 1 मैच को राजस्थान को जीतना होगा। वहीं राजस्थान की अगला मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ 27 अप्रैल को होने वाला है। तो दोस्तों ये रहा आईपीएल 2024 की अब तक का पॉइंट टेबल की अपडेट। आगे की पॉइंट टेबल की अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर दो।